हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए आज हम बात करेंगे रेलवे के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं लगातार। आज दूसरा दिन था, आज 10 तारीख का। तो जो भी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आए हैं, एक मोटा मोटी जो है कि रफ में आपको हम एग्जैक्ट क्वेश्चन पैटर्न बनाएंगे और किस तरह से जो है कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन का लेवल, वो सब आपको जरूर इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो कल का अगर आपने नहीं देखा तो कल का ये 9 अगस्त का जो है कि वीडियो बन चुका है, आप यहाँ से मेरे चैनल पर से देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज आज के क्वेश्चन के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन जो है कि सारा चीज हर सेट से पूछा जा रहा है, चाहे जीए हो या मतलब साइंस हो, जीके हो, सभी कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल बराबर है, बिल्कुल मॉडरेट है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, कोई ज़्यादा हल्का भी नहीं है, मॉडरेट किया हुआ है, ठीक है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के, जो भी क्वेश्चन आज के सभी शिफ्ट को जो है कि मतलब मिला के एक्यूमुलेट करके मैंने डाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रियो ओलंपिक 2016 में भारत के तरफ से किसने राष्ट्रध्वज लेकर जो है भारतीय दल की अगुवाई की थी, ठीक है। तो ये क्या था, अभिनव बिंद्रा ने, ये क्वेश्चन जो है कि आज पूछा गया है, ठीक है। भारतीय दल का जो है कि नेतृत्व किया था उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में राष्ट्रध्वज को लेकर, अभिनव बिंद्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट्रेस को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का 2018 का अवार्ड मिला, ठीक है। ये है अनुष्का चोपड़ा को, ठीक है। किस एक्ट्रेस को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड मिला है, तो ये मिला है अनुष्का चोपड़ा को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आज के क्वेश्चन सेट से है, ठीक है। और आज के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कैग के डायरेक्टर कौन है। कैग आपको पता है जो ऑडिट वगैरह करती है, सेंट्रल ऑडिट करती है सभी स्टेट्स का, सभी डिपार्टमेंट, सभी जगह का जो ऑडिट होता है आपको पता है, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। तो ये वही कैग है, इसके डायरेक्टर अभी हैं राजीव महर्षि, जो इससे पहले होम सेक्रेटरी थे, इससे पहले इस पोस्ट पर आने से पहले वो होम सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो उनके बाद जो है कि कैग के वो डायरेक्टर बनाए गए, निदेशक राजीव महर्षि, ठीक है। उसके बाद स्पाइस जेट के को फाउंडर कौन है, तो स्पाइस जेट जो आपको पता है एक बहुत बड़ी विमान कंपनी है, बहुत बड़ा जो है कि मतलब विमान चलाने वाली कंपनी है, तो उसके फाउंडर है अजय सिंह, ठीक है। अजय सिंह जो उनके को फाउंडर। उसके बाद है हरिमऊ मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये भारत और मलेशिया के बीच जो है कि हुआ था, ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच जो है ये एक्सरसाइज हुआ था। उसके बाद है फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है कि किसने किया था, ठीक है, एक हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है कि अकबर ने किया था, ठीक है, अकबर ने किया था। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर पर्रिकर। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये दोनों लगभग हर एग्जाम के हर सेट में पूछा जा रहा है, जरूर इस मुख्यमंत्री और राज्यपाल को देख लीजिए, डेफिनेटली एक क्वेश्चन इससे 100% आने वाला है। मैंने मुख्यमंत्री का जो है कि वीडियो डाल दिया है, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। यहाँ पर जो है कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो वर्तमान उनका वीडियो डाल दिया है, और राज्यपाल का जो है कि आज ही जो है कि मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है, तो वहां से जो है कि आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री आज पूछा गया था, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो गोवा के मुख्यमंत्री है मनोहर पर्रिकर, ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री है मनोहर पर्रिकर। उसके बाद पूछा गया कि आज ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से इस बार कौन सी फिल्म गई थी, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से इस बार कौन सी फिल्म भेजी गई थी। तो आपको बता दें न्यूटन फिल्म भेजी गई थी, जिसमें राजकुमार राव थे, ठीक है, और वो जो है कि फिल्म बेस्ड थी नक्सल इलाकों में, जो किस तरह से चुनाव को किस चुनौतीपूर्ण तरीके से चुनाव को हेल्ड कराना उसको आयोजित किया जाता है, उसी पर आधारित थी यह फिल्म। और उस फिल्म को जो है कि भारत की तरफ से जो है कि इसको ऑस्कर के लिए भेजा गया था, न्यूटन, ठीक है। गंगोत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये गंगोत्री अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका पर। उसके बाद है एस अगेंस्ट द ऑड के लेखक कौन है, एस अगेंस्ट द ऑड के लेखक कौन है, ये दरअसल सानिया मिर्जा, इनके साथ दो तीन और ऑथर हैं, ठीक है, लेकिन बेस मेनली जो पूछा गया होगा इसमें ऑप्शन के साथ जो है कि मेन ये सानिया मिर्जा पर ही ये बेस्ड किताब है, उनकी बायोग्राफी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कि आज के क्वेश्चन में पूछा गया है,
ऑथर वगैरह भी जो है कि पूछा जा रहा है, ठीक है, ऑथर वगैरह जैसे किस बुक का, जैसे कल मैंने बताया था कि एग्जाम वॉरियर पूछा गया था, जिनको जो है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ही लिखा था, ठीक है, कल एग्जाम वॉरियर के बारे में पूछा गया था और आज जो है कि इस बुक के बारे में पूछा था। तो ऑथर जरूर पढ़ लीजिए, स्टैटिक जीके में जो भी आता है, देश की राज राजधानी ये जरूर पूछेगा, ठीक है, उसके बाद संगठन का मुख्यालय, ये सब सब चीज है जो कि पूछने का बिल्कुल चांस है, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैं भी इस चैनल पर जो कि धीरे धीरे अपलोड करूंगा, आप देख सकते हैं वहां से। उसके बाद है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा दरअसल ये जेवलिन थ्रो होता है, जिसको कि हम भाला फेंक भी बोलते हैं, ठीक है, इसको जेवलिन थ्रो बोला जाता है, ये भाला फेंक से संबंधित है, ठीक है, नीरज चोपड़ा। उसके बाद है कि नाटो कब और कहाँ स्थापित हुआ, ठीक है, नाटो का कब स्थापना हुआ और कहाँ पर हुआ। तो नाटो का स्थापना जो हुआ है 1949 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, और इसको हुआ था वॉशिंगटन डीसी में जो है कि नाटो को जो है कि स्थापित किया गया था, कहाँ कब किया गया था, 1949 में वॉशिंगटन डीसी में। उसके बाद है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। कल विटामिन ई का पूछा गया था, ठीक है, आज विटामिन सी है, तो डेफिनेटली जो है कि कुछ ना कुछ जो है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि आते जाएगा। तो एक बार जितना विटामिन वगैरह है, ये इसका रासायनिक नाम क्या है, उसको और किस नाम से बुलाया जाते हैं, हो सकता है उसे मैं ये भी पूछे कि इसके कमी से कौन सा रोग होता है, किस कमी से, जैसे विटामिन सी कमी से बेरी, और बहुत सारे जो भी विटामिन से मतलब इस तरह से आते हैं, तो उनको जो है एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो विटामिन सी जो है कि इसका जो है कि होता है आपको एस्कॉर्बिक एसिड, इसको बोला जाता है, ठीक है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। उसके बाद है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। टेलीफोन का आविष्कार क्या था, ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। उसके बाद है उन्नति क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किस बैंक ने किया है। उन्नति क्रेडिट कार्ड की शुरुआत जो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, ये आज का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है आरबीसी की डेथ कहाँ होती है, जो आपका रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है उसकी डेथ होती है प्लीहा में, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको स्प्लीन, स्प्लीन भी ऑप्शन में आ जाता है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, हिंदी में अगर पढ़िएगा तो उसको प्लीहा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज एकदम नहीं होइएगा, ध्यान से इसको जरूर देखिएगा। उसके बाद बल का यूनिट पूछा गया, तो बल का यूनिट है न्यूटन, ठीक है, बल का यूनिट न्यूटन, ये जितना भी यूनिट वगैरह है बल का, फोर्स का, जो भी है प्रेशर का, जितना भी है सबका जो है कि एक बार जो है कि आप ये सब भी जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला में, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टेनर, कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था ब्लड ग्रुप का खोज जो है किया था, ठीक है, कार्ल लैंडस्टेनर। उसके बाद है जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। जीएसटी आपको पता है, जीएसटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कल शायद जीएसटी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, मतलब जीएसटी को सबसे पहले फर्स्ट किस देश में जो है कि अपनाया गया, तो इस तरह का क्वेश्चन कल भी था, आज भी है, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अमिताभ बच्चन को, ठीक है, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी, मलेरिया परजीवी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने जो है कि मलेरिया परजीवी की खोज की थी। उसके बाद है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2017 किसने जीता था, तो ये जीता है रिचर्ड थैलर ने, किसने जीता है, रिचर्ड थैलर ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। उसके बाद है बिहार के डिप्टी सीएम कौन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री है सुशील कुमार मोदी, ठीक है, सुशील मोदी वहां के उप मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है ब्रिक्स में कितने देश थे, तो ब्रिक्स में जो है 5 देश हैं, ठीक है, ब्रिक्स में कितने देश हैं, ब्रिक्स में 5 देश है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग एवं बेस्ट वेस्ट ने जो है कि इंसुलिन की खोज की थी।
उसके बाद है फीफा 2018 गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला है, तो हैरी केन। फीफा 2018 गोल्डन बूट का अवार्ड जो मिला है वो मिला है हैरी केन को, ठीक है। झारखंड के गवर्नर कौन हैं, ये हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। थोड़ा नाम थोड़ा टफ है, द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड के गवर्नर, इसको इनको ज्यादा द्रौपदी करके याद रखिएगा, आपको याद रहेगा द्रौपदी मुर्मू इनका नाम है। उसके बाद है कि फिल्म बाहुबली के डायरेक्टर कौन है, तो आपको पता है बाहुबली एक बहुत बड़ी फिल्म जो है कि बनी थी और काफी ज्यादा सक्सेस हुआ था, इसी पर जो है कि क्वेश्चन भी पूछ दिया गया, तो बाहुबली के डायरेक्टर है SS राजमौली, ठीक है। बाहुबली के डायरेक्टर है SS राजमौली। और उसके बाद नेक्स्ट है इसरो का मुख्यालय, यानी इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसरो का हेडक्वार्टर है आपको बेंगलुरु में, ठीक है। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। तो ये था आज का क्वेश्चन, ठीक है, जो आज सभी सेट्स का ओवरऑल मिला के जो मैंने इसको आप लोग के सामने रखा है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम डेट में होने वाला है उनको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और थोड़ा सा फोकस्ड रहिए, क्वेश्चन का जो पैटर्न उसको देखिए और बस उसको एक बार रिवाइज करते जाइए, जो क्वेश्चन भी आपको अभी माइंड में चल रहा है उसको एक बार रिवाइज करते जाइए, ठीक है। इससे आपको जो है कि आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी फायदा जरूर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।